नमस्कार, मैं अनिल जमनादास ठक्कर। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है गवर्नमेंट का अलग अलग योजना, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय महापालिका जो रहता है तो उसका अलग अलग जो योजना रहता है, समाज के अलग अलग घटकों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, वो योजना में अपन कैसा सहभागी हो सकते हैं, उसका क्राइटेरिया यानी टर्म्स एंड कंडीशन, कागजी प्रोसेस यानी पेपर क्या क्या चाहिए, योजना में जाने से पहले, उसका प्रोसेस करने से पहले अपने पास डॉक्यूमेंट का कैसा तैयारी चाहिए नॉर्मल, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हैंडीकैप योजना में आपको जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या प्रोसेस है, निराधार योजना का पेंशन अगर आपको लेना है उसके लिए अगर आप पात्र है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और टर्म्स कंडीशन है, वो अलग अलग वीडियो बना के उसके बारे में बात करेंगे। आज का सब्जेक्ट ऑल योजना यानी गवर्नमेंट का जो भी योजना है उसमें आप कैसा सहभागी हो सकते हैं और उसके लिए आपको क्या तैयारी करना है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका नॉर्मल एक डिस्कशन ये वीडियो में करूँगा और आपको एक प्रॉपर ये चीज़ का अंदाज ये वीडियो में मैं देना चाहता हूँ। राज्य सरकार का योजना, केंद्र सरकार का योजना, फॉर एग्जाम्पल बोले तो मेडिक्लेम हेल्थ के लिए, कभी अपन बीमार हो सकते हॉस्पिटलाइज हो गए तो जो गवर्नमेंट का योजना है वो योजना में आप कैसे सहभागी हो सकते हैं, उसका बेनिफिट कैसे ले सकते, विधवा पेंशन यानी निराधार योजना है, किसी का घर में मेन जो हेड ऑफ चेयरमैन जो रहता है, चेयर हेड ऑफ चेयर यानी कमाने वाला जो मेन इंसान रहता है वो किसी भी वजह से अगर एक्सपायर हो गया तो उसके जो पीछे यानी उसका वाइफ है, उसके बच्चे है, उसको अगर वो चीज़ का पेंशन लेना है गवर्नमेंट से तो कैसे ले सकते हैं, वो अलग अलग गवर्नमेंट का जो योजना है उसके बारे में बात करेंगे। और हर योजना में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट ने तय किए हुए कुछ कागजात रहते हैं डॉक्यूमेंट, वो आपके पास प्रॉपर रहना चाहिए, उसका जो टर्म्स कंडीशन है, उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के हिसाब से आपका इनकम और डॉक्यूमेंट उसमें फिट बैठना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट या महत्व की जो बात है डॉक्यूमेंट, जैसे कि नॉर्मल आधार कार्ड रहता है, रेशन कार्ड रहता है, पैन कार्ड रहता है, ये सब चीज मेन कॉमन रहती है हर चीज में, इनकम सर्टिफिकेट रहता है, जो भी आपका उत्पन्न है वो जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोला जाता है, ये चीज का नॉर्मल हर चीज में कॉमन जरूरत रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है हर चीज में। तो आज के डिजिटल युग में सबसे पहला जो बात है वो आधार कार्ड रहता है, हर चीज आधार कार्ड के ऊपर से लिंक होती है, आपके पास अपना एक UID यानी आधार कार्ड, अपना एक पहचान वाला डिजिटल नंबर रहना चाहिए। तो आधार कार्ड आधे लोगों का कंप्लीट रहता है, आधे लोगों का कुछ इनकम्प्लीट रहता है, अपन उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते लेकिन वो जरूरी है। आधार कार्ड अपना कंप्लीट सिस्टम के हिसाब से रहना चाहिए, मैं आपको उसका एग्जांपल देके बताता हूँ। आधार कार्ड में एक तो पहले पूरा नाम रहता है, पूरा करंट एड्रेस रहता है अपन जहाँ रहते हो, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा रहना चाहिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो चालू है वो लिंक रहना चाहिए, बार बार मोबाइल नंबर बदली नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी योजना है वो अपन नेट के ऊपर जाके आपका पेपर अपलोड डाउनलोड पेपर सिस्टम में जब डालते हैं तो आपको एक OTP आता है, OTP कभी आपके मोबाइल में आएगा जब आपका आधार कार्ड के अंदर नंबर लिंक रहेगा। बहुत से लोगों का नंबर लिंक नहीं रहता है, बहुत से लोगों का डेट ऑफ बराबर नहीं रहता है डेट ऑफ बर्थ, बहुत से लोगों का पैन कार्ड में अलग नेम रहता है, आधार कार्ड में अलग नेम रहता है, ये सब चीज आपको अपडेट करना जरूरी है। और अपडेट करने के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरा संपर्क कीजिए, इसमें मेरा नंबर दिया हुआ है YouTube के ऊपर, आप मेरा वीडियो जो डे टू डे मैं डालता हूँ वो ओनली फॉर सोशल रहता है, यानी समाज के लिए, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कैसा दे सकता हूँ, यानी वाटर सप्लाई के बारे में, इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में, लोगों को डे टू डे यानी दैनिक जो अपना जीवन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करने का, गवर्नमेंट के कुछ काम है वो हम सोशल तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंट में कुछ आपका प्रॉब्लम है वो लीगल के हिसाब से अपन डॉक्यूमेंट कैसा क्लियर कर सकते हैं, वो चीज़ के लिए मैं बार बार आपको हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए, गवर्नमेंट का योजना का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। इसीलिए सबसे महत्व का बात आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका आधार कार्ड, आप जो अभी करंट एड्रेस में रहते हैं, अगर पहले जूना एड्रेस रहेगा तो नया एड्रेस आप अपडेट कर लीजिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा आपका डाल दीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी आप अभी यूज करते रहेंगे बार बार, प्लीज मोबाइल नंबर बदली मत कीजिए, वो मोबाइल नंबर आप अपडेट कर लीजिए। पैन कार्ड के हिसाब से आपके आधार कार्ड में नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, हर चीज परफेक्ट करके लीजिए। परफेक्ट होने के बाद आगे का स्टेप होता है कि गवर्नमेंट का जो योजना है वो योजना में आप कैसे सहभागी हो सकते हैं, तो उसके आगे ये सब कंप्लीट करने के बाद में वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो में अलग अलग बाइफर्केशन के हिसाब से मैं वीडियो भेजूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आप विधवा यानी निराधार पेंशन योजना में जाना चाहते हैं तो उसमें कैसा आप जा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, अगर कोई हैंडीकेप है उसके लिए पेंशन कैसा मिल सकता है, ये हर चीज यानी किसी को अगर घर में कोई बीमार है और मेडिक्लेम पॉलिसी यानी बीमार नहीं है तो एडवांस में अगर अपने को प्लानिंग करके रखना है, यानी कोई बीमार गिरे नहीं लेकिन बाय चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो गवर्नमेंट ने जो भी प्रोसेस अपने को दिया हुआ है वो हिसाब से मेडिक्लेम पॉलिसी का बेनिफिट कैसा ले सकते हैं, उसके लिए एडवांस में अपन पॉलिसी का कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ का मैं आपको वीडियो अलग अलग भेजूंगा। लेकिन उसके पहले उस हर चीज में जाने से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, तो पहले आपका आधार कार्ड अपडेट करके ले लीजिए और आगे मैं वीडियो भेजूंगा। और वीडियो भेजने के बाद भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरे नंबर पे मेरी ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और खुद आके मुझे मिल भी सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।